नगर न्यूज 24 प्रतिबिंब जनमानसांचे। असं आहे की त्याच्या पूर्व पत्नीने एक तक्रार केली होती लैंगिक अत्याचाराची, त्या संदर्भात चौकशी करण्याकरता वॉरंट घेऊन चौकशी करता त्याला नेण्यात येत होतं। त्याने पहिल्यांदा पोलिसांची बंदूक हिसकवून फायर करण्याचा प्रयत्न केला, पोलिसावर फायर केलं, हवेत फायर केलं, त्यामुळे संरक्षणार्थ पोलिसांनी त्या ठिकाणी गोळी चालवलेली आहे। या संदर्भात त्याला दवाखान्यात नेण्यात आलं आणि डॉक्टरांनी अजून अधिकृत घोषणा करायची आहे, पण जी काही माहिती आहे त्याप्रमाणे बहुधा मृत्यू झालेला असावा, त्यामुळे हे कुठलंही प्रवोक किंवा याच्यामुळे झालेलं नाही, तर एक प्रकारे पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ केलेला हा गोळीबार आहे ज्याच्यामध्ये या आरोपीचा मृत्यू झालेला। देखिए, ये जो आरोपी था इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी, उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीन कर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी, मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। आता गृहमंत्री महोदयाने या बाबतीत माहिती दिली आहे, माझ्याकडे जी माहिती आली ती तशीच आहे की अक्षय शिंदे नावाचा आरोपी जो बदलापूर मधल्या केसमध्ये होता, एक लहान बच्चूची जी दुर्घटना घडली होती आणि त्याच्यावर देखील अनेक जो अक्षय शिंदे आहे त्याच्या पत्नीने देखील त्याच्यावर अलिगेशन केले होते लैंगिक अत्याचाराचे, आणि अशा प्रकारचा हॅबिच्युअल गुन्हेगार तो होता आणि त्याला तपासासाठी बाहेर आणल्यानंतर त्यांनी पोलीस एपीआय निलेश मोरेवर गोळी झाडली, त्याच्यामध्ये निलेश मोरे जखमी आहे आणि मग स्वसंरक्षणात पोलिसांनी बचावासाठी गोळ्या झाडलेल्या आहेत आणि त्यामुळे पोलीस तपास सुरू आहे आणि त्याच्यावर निलेश मोरे आहे त्याच्यावर उपचार चालू आहे। एवढी प्राथमिक जी माहिती आहे त्याप्रमाणे अशा प्रकारची घटना घडलेली आहे। अक्षय शिंदे ये जो बदलापूर में आरोपी था वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने निलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की, निलेश मोरे जख्मी है घायल है और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। ये जो नई कोर्ट की नींव रखी जा रही है तक कंप्लीट होने की एक टाइमलाइन रखी है और कैसे बदलाव है? ये नई जो हाईकोर्ट की बिल्डिंग है आज ये हिस्टोरिक डे है और जो हाईकोर्ट है ये नया हाईकोर्ट बनेगा कॉम्प्लेक्स, इसमें आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के हाथों से ये भूमि पूजन हुआ है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र के हैं वो और इस मुंबई हाईकोर्ट में भी उन्होंने काम किया है,
और उनके हाथों द्वारा ये काम हो रहा है। और मैं हूँ, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री है, हम खुश नसीब है कि हमारे कार्यकाल में इस नई हाईकोर्ट की बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन हो रहा है। ये रिकॉर्ड टाइम में ये सब बातें हुई है और रिकॉर्ड टाइम में ये हाईकोर्ट बिल्डिंग हो जाएगी। फिर भी अगर एक डेट दे सकें, क्या ये नवंबर से पहले होगा जैसा कि जस्टिस ओबामा? नहीं, अगले 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 तीन, इतनी बड़ी बिल्डिंग है ना ये सब, तो जरूर बिफोर टाइम हम करेंगे, लेकिन तीन साल में अगले करने की कोशिश हमारी है। सरकार पूरी तरह सहयोग कर रहा है और जब भी इतने जब न्यायालय की बात आती है तो उसका जो फायदा जो है आम जनता को होता है, इसलिए हमारे सरकार ने कई न्यायालय को मान्यता दी है, न्यायालय की बिल्डिंग बनाई है, कई लोगों को सब जो जितना भी काम करना है हमारी सरकार ने किया और ये भी बड़ा काम है, ये हिस्टोरिक काम है और निश्चित प्रकार से सरकार पूरा करेगी। नगर न्यूज 24 लास्ट सब्सक्राइब करा।